नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसमें जो मेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल कितने पेपर होते हैं, किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो पेपर कितने मार्क्स का होता है, हमें कितना टाइमिंग मिलता है और कौन सा पेपर क्वालिफाइंग केवल होता है, किसका हमारा जो है मेरिट लिस्ट में नंबर काउंट होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी ये वीडियो अंत तक देखें। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि टोटल यूपीएससी में जो है तीन फेज में पेपर होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेकेंड फेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। टोटल जो है आपके 9 पेपर होते हैं। ये दोस्तों इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका जो 2 पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग होता है। 4 पेपर जो आपका होता है वो जीएस का होता है, 4 पेपर आपका जीएस का होता है। इसके अलावा दोस्तों 2 पेपर आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, ऑप्शनल का आपका 2 पेपर होता है और आपका 1 पेपर जो है इससे का होता है। टोटल दोस्तों आपके ये 9 पेपर होते हैं मेंस में। दोस्तों, ये जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इसका दोस्तों जो हमारे नंबर है इसका हमारा नंबर हमारे मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, मतलब आपको इसे केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका जो मार्क्स है ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। जो मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा वो है जीएस का, मतलब 4 पेपर जो जीएस के होंगे उसका मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। इसके अलावा 2 पेपर जो ऑप्शनल के होंगे इसका भी मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा एंड 1 पेपर जो आपका एससी का होगा इसका भी मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं डिटेल में कि किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और वो पेपर कितने हावर उसमें हमें कितना टाइमिंग मिलता है, कितने मार्क्स का होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये सब डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर की। तो दोस्तों जो हमारा 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, 2 हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैंने आपको भी बताया क्वालिफाइंग पेपर होता है। दोस्तों इसमें से जो होता है पहला होता है पेपर 1, पेपर ए। दोस्तों जो पेपर ए होता है ये होता है आपका इंग्लिश का, मतलब पेपर ए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है। एंड दोस्तों जो आपका पेपर बी होता है, पेपर बी जो आपका होता है वो आपका एनी इंडियन लैंग्वेज का होता है, मतलब आप जो 22 लैंग्वेज इंडिया में हैं जिनको मान्यता प्राप्त है आप उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसमें पेपर दे सकते हैं, एनी इंडियन लैंग्वेज। तो दोस्तों ये आपके 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। एंड दोस्तों ये जो पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स का दोनों होते हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर ए होगा एंड 300 मार्क्स का ही आपका पेपर बी भी होगा। दोस्तों जो आपको इसमें टाइमिंग मिलेगी 3 आवर इसमें मिलेगी पेपर ए में एंड 3 आवर ही आपको पेपर बी में भी मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें मार्क्स का तो दोस्तों आपको पेपर ए में 30% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है, मतलब अगर आप 30% मार्क्स ला देते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, 30% मार्क्स ला के आपको क्वालिफाई करना होता है। एंड दोस्तों जो आपका पेपर बी होता है इसमें आपको 25% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है, मतलब अगर आप इसमें 25% मार्क्स ला देते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया क्वालिफाइंग पेपर की बात की, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, टोटल होते हैं 2। पहला होता है इंग्लिश का, ये सबके लिए कंपलसरी होता है और दूसरा जो होता है आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं 22 लैंग्वेज में जिसको इंडिया में मान्यता प्राप्त है और आप उसमें पेपर दे सकते हैं। टोटल दोस्तों ये जो पेपर होता है 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में आपको 30% ला के क्वालिफाई करना होता है एंड जो पेपर बी होता है इसमें आपको 25% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर के बारे में। तो दोस्तों अब आता है हमारा जो जीएस का टोटल पेपर होता है 4, जीएस के हमारे 4 पेपर होते हैं। तो दोस्तों ये पेपर कौन कौन से होते हैं, दोस्तों पहला होता है हमारा जीएस पेपर 1, दोस्तों जो इसमें हमारा सब्जेक्ट पूछा जाता है दोस्तों ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसमें हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पूछा जाता है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट आता है, आता है जियोग्राफी का, जियोग्राफी। और जो चौथा सब्जेक्ट आता है, आता है सोसाइटी का, सोसाइटी। दोस्तों इसमें आपको टोटल चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दूसरा होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तीसरा होता है जियोग्राफी और चौथा होता है सोसाइटी। दोस्तों आपका ये जीएस पेपर वन के अंदर इतने सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। एंड दोस्तों ये पेपर जो आपका होता है 250 मार्क्स का होता है, एंड इसमें जो आपको टाइमिंग मिलती है वो मिलती है 3 आवर्स की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर टू के बारे में। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है जीएस पेपर टू, जीएस पेपर टू। दोस्तों जो जीएस पेपर टू हमारा होता है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट पूछा आता है वो होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा होता है पॉलिटी, पॉलिटी। चौथा होता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। एंड पांचवा होता है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। दोस्तों आपको जो जीएस पेपर सेकंड होता है, इसमें टोटल आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो सब्जेक्ट है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर। दोस्तों ये जो पेपर होता है आपका, ये होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का ये पेपर होता है आपको। और ये इसमें जो है आपको 3 आवर्स मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जीएस पेपर थ्री के बारे में। जीएस पेपर थ्री की बात अगर हम करें, जीएस पेपर थ्री, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट पूछा आता है ये आता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा आता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। चौथा आता है आपका एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट। पांचवा एंड लास्ट आपका आता है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टर मैनेजमेंट। दोस्तों ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट जो आपके जीएस पेपर 3 में पूछे जाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों अगर इस पेपर की बात करें तो ये पेपर होता है 250 मार्क्स का, एंड इसमें जो आपको टाइमिंग मिलती है ये मिलती है 3 आवर्स की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड जीएस पेपर 4, जो आपका टोटल जीएस में 4 पेपर होता है। 3 के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में, जीएस पेपर 4 के बारे में। तो दोस्तों जो आपका जीएस पेपर 4 होता है, इसमें आपको पूछा जाता है इथिक्स, इसमें आपसे पूछा जाएगा इथिक्स। एंड दूसरा पूछा जाता है वो आता है इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों ये जो आपका जीएस पेपर 4 होता है, ये भी होता है 250 मार्क्स का, एंड इसके लिए जो आपको टाइमिंग मिलती है मिलती है 3 आवर्स की। तो दोस्तों आपने देखा जो आपका जीएस का चारों पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, एंड टाइमिंग आपको 3 आवर्स की मिलती है। और सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया, जीएस पेपर 4 के लिए आपका सब्जेक्ट है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एससे वाले पेपर के बारे में। तो दोस्तों आपका एक पेपर जो होता है एससे का होता है, इससे के लिए आपका एक पेपर होगा, ये होगा 250 मार्क्स का, और इसके लिए भी आपको टाइमिंग वही मिलेगा 3 आवर्स का। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, हमारा ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, ऑप्शनल के लिए हमारा जो है 2 पेपर होता है, टोटल 2 पेपर होता है। कौन कौन सा होता है? होता है एक पहला ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2।
पर्सनल पेपर टू। दोस्तों ये दोनों पेपर 250 एंड 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब 250-250 नंबर के आपके दोनों पेपर होंगे एंड दोनों में आपको वही 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। 3 आवर्स की जीएस पेपर वन में, ऑप्शनल पेपर वन में, एंड 3 आवर्स की ऑप्शनल पेपर टू में। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ 9 पेपर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जो आपके 9 पेपर होते हैं ये होते हैं 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसका मतलब मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, ये केवल आपको क्वालिफाई ही करना होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपकी जीएस पेपर की काफ़ी चेक होगी। एंड दोस्तों जो 4 पेपर होता है ये होता है जीएस का, मतलब जीएस के लिए आपका टोटल 4 पेपर होता है, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर थ्री एंड जीएस पेपर फोर। दोस्तों इसके अलावा 4 पेपर आपका जीएस का होता है, इसके अलावा दोस्तों 1 पेपर आपका इससे का होता है एंड 2 पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। तो दोस्तों अगर हम टोटल मार्क्स देखें जो मेंस में होता है, दोस्तों टोटल मार्क्स होता है 1750 मार्क्स का टोटल जो है आपका मेंस होता है। दोस्तों आपने 1750 मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिया होगा। 4 जीएस के पेपर का मार्क्स कैलकुलेट होता है, जो कि 4 मिला लें तो 100 और 1000 मार्क्स का हो गया जीएस पेपर। 1 एससी का होता है 250 मार्क्स का, तो ये होगा टोटल 1250 एंड 2 होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, मतलब ऑप्शनल के लिए आपका 500 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो टोटल पेपर होता है 1750 मार्क्स का। तो दोस्तों ये था पूरा यूपीएससी का मेंस का पेपर पैटर्न, मतलब मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो पेपर कितने टाइमिंग में आपको करना होता है एंड कितने मार्क्स का वो पेपर होता है, और जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें आपको कितने परसेंट मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो कृपया आप चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।